ये हमारा सर्कल है, सर्कल से हम तीन टेंजेंट ड्रॉ कर एक हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक, टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है और इससे हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर दिया गया है पी क्यू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा लेंथ दिया गया है हमारा कितना 10। क्यू आर दिया गया है यानी कि क्यू आर, यानी ये लेंथ हमारा दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर। क्यू आर पी आर दिया गया है यानी कि ये हमारा दिया गया कितना, पी आर हमारा दिया गया है 12। हमें क्यू एम यानी कि ये लेंथ निकालना है, आर एन यानी कि ये लेंथ निकालना है, और पी एल यानी कि हमें ये लेंथ निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं आर एन को वाई और पी एल को एक्स। हमने पी एल को एक्स माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम सेम सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का लेंथ जो होता है सेम होता है। अगर हमारा पी एल जो है एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल एक्स ही हो जाएगा। तो अगर ये पी एल जो है एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 10 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अगर ये हमारा 10 माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। फिर सेम प्रॉपर्टी लगेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम सेम सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होता है। अगर ये हमारा वाई है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई ही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये पी आर, पी आर कितना है 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं यानी कि एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ गया 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना, एक्स प्लस वाई 12। और यहाँ से हमारा पी क्यू, पी क्यू कितना है 10, 10 को क्या लिख सकते हैं एक्स, 10 को छोड़िए इसको नहीं लेना, हम पी आर को क्यू आर को लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना है 8, तो इन 10 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स कितना आ जाएगा 7 और वाई कितना आ जाएगा 5। ये दोनों आ गया यानी कि आर एन, आर एन, आर एन कौन सा है, आर एन ये वाला हमारा आ गया, और हमारा पी एल, पी एल भी आ गया। अब हमारा कौन, क्यू एम, क्यू एम यानी कि 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल।